नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। और बात करें आज की सबसे बड़ी खबर, होली के एक दिन पहले ही जी हां मुंबई पुलिस को मिला है 1,30,00,000 का गांजा। जी हां, जो आरोपी गिरफ्तार हुए, बताया जा रहा है डिंडोसी पुलिस स्टेशन ने जो है दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है डिंडोसी के नज़दीक ही संतोष नगर इलाकों से। जी हां, बताया जा रहा है कि 1,30,00,000 का गांजा कल होली के दिन पर होलसेल भाव में बेचने के लिए इन्होंने लाया था। जी हां, लेकिन सही समय पर पुलिस ने जो है इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मुंबई पुलिस की ड्रग्स को लेकर बड़ी कार्रवाई। जी हां, शहर में होलसेल में लेकर बेचने के लिए आए थे 1,30,00,000 का गांजा जब्त हो गया है। बताया जा रहा है कि लगातार डिंडोसी पुलिस के इस शानदार काम की वजह से एक बार फिर से मुंबई पुलिस चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि मुंबई पुलिस जिस प्रकार से अपने काम को अंजाम देती है वो पूरे देश में काबिले तारीफ है। जी हां, समय रहते ही अगर किसी क्राइम को रोक लिया जाए तो उसे कहते हैं मुंबई पुलिस, क्योंकि एक दिन पहले, जी हां, आज होलिका दहन है और कल से जी हां होली खेली जाएगी, कल ही इसका होलसेल में काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है सेवन होने वाला था, जिसके लिए 1,30,00,000 का गांजा लेकर लोग निकले थे, लेकिन सही वक्त पर पुलिस ने धर पकड़ की और इससे को अंजाम दिया। आज के लिए इतना ही, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट नौकरी के साथ बने रहें।